बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज के बारे में काफी विस्तार से जाना था। आज उसके बाद हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 में जो टॉपिक हमारा है शिल्प और उद्योग, यानी उपनिवेशीकरण के बाद भारत में शिल्प उद्योग किस तरह से पनप रहा था, आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय शिल्पकारों का क्या हुआ ब्रिटिश रूल के बाद, और भारत में खासकर कपड़े उद्योग जो अपने चरम सीमा पर था उसका क्या हश्र हुआ ब्रिटिश रूल के बाद। तो आइए हम जानते हैं 17वीं शताब्दी तक भारत का एक प्रमुख जो नगर था वे था गुजरात, और गुजरात जो पश्चिम तट में आता है ये अरब सागर में है, यहां से अंग्रेज और डच पूरे सामान का निर्यात ज्यादातर इसी बंदरगाह से करता था। यूरोप के बाजारों में यहां के सामान ले जाकर वे अपने मन मुताबिक बिक्री भी करते थे और मुनाफा भी कमाते थे। लेकिन इस बंदरगाह का 18वीं सदी तक हाल यह हो गया कि बंदरगाह का महत्व गिरने लगा, इसलिए कि अब अंग्रेजों ने न सिर्फ पश्चिमी तट से बल्कि दक्षिण तट का भी इस्तेमाल करने लगा, और ये जो पूरब का हिस्सा उसका भी इस्तेमाल करने लगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 18वीं सदी में जो इनका महत्व गिरने लगा इसके कई कारण थे। इसी में हम लोग ये भी जानेंगे कि कपड़ा और लोहा उद्योग जो भारत में पुराना और परंपरागत ढंग से चलते आ रहा था, बल्कि ये कह सकते हैं कि यहाँ शिल्प उद्योग में भारत के विभिन्न इलाकों में बहुत से ऐसे शिल्पकार थे जो अपने हुनर को दिखाते थे, और उनका हुनर यूरोप के बाजारों में इतना पसंद किया जाता था कि खासकर भारतीय कपड़े और भारतीय कपड़ों को बनाने के लिए यहाँ बुनकर और कई नामों से प्रचलित बहुत से कारीगर इसमें लगे हुए थे। तो उनका क्या हश्र हुआ, इस तरह से हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के तहत भारतीय शिल्प और उद्योग की दशा क्या थी, यानी भारत के विभिन्न इलाके में भारत में बुनकरों के द्वारा, और इस बुनकरों में उनकी घर के औरतें भी शामिल थी, उसके बच्चे भी शामिल थे, यानी बुनकर उद्योग इतना ज्यादा डेवलप किया था कि यूरोप के बाजार में और खासकर भारत का कपड़ा, और खासकर हम लोग देखेंगे सूती वस्त्र जिसको यूरोप के बाजारों में खूब पसंद किया जाता था, और इसके साथ साथ भारतीय कारीगरों के द्वारा उसमें छीट और उसमें जिसको कह सकते हैं कि सिंध का भी इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप में छीट के कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा थी, यानी ये कह सकते हैं कि भारत से जब इस कपड़े का निर्यात होता था तो यूरोप के बाजार में इसे हाथों हाथ लिया जाता था। तो उसका दशा क्या हुआ ब्रिटिश रूल के बाद। दूसरी बात यह है कि ये जो बुनकर और लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक किन समस्याओं का सामना किया, हम यहाँ पर यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका मार भारतीय उद्योग पर किस तरह से पड़ा। और तीसरी जो चीज है कि औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विश्व का भी थोड़ा सा हम लोग जायजा लेंगे, और ये भी जानेंगे कि आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा कि भारत के विभिन्न इलाके में सूती वस्त्र और मलमल जिसको हम लोग मसरी भी कहते हैं उस कपड़े का डिमांड यूरोप के बाजार में ज्यादा था, बल्कि ये ब्रिटिश रूल को इस तरह का या इंग्लैंड में जो उस समय शासक था उनको भी यहाँ का पहनावा ओढ़ावा और यहाँ के कपड़े काफी पसंद आते थे, लेकिन ब्रिटेन में वहाँ के व्यापारियों को ये चीज बड़ा नागवार गुजर रहा था।
इसका कारण यह था कि भारतीय जो कपड़े थे, खासकर मलमल का कपड़ा और छींट का कपड़ा, सूती वस्त्र, ये ब्रिटेन में और पूरे यूरोप कंट्री में इतने लोकप्रिय हो गए कि वहां रेशम और ऊन का कपड़ा, इसके सामने उसका डिमांड भी गिरने लगा। इसलिए वहां के व्यापारियों ने एक चीज सोचा कि भारतीय कपड़े को किस तरह से हम यहां पे गिराएं या उसको हम नीचा दिखाएं, और नतीजा ये हुआ कि भारतीय कपड़ों को नीचा दिखाने के लिए इंग्लैंड के सरकार पे वहां के व्यापारियों ने एक दबाव बनाया, और ये दबाव बनाया कि अगर भारतीय कपड़े यहां पे यूरोप के बाजार में छा जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की सरकार ने वहां पे 1720 में एक कानून पारित किया, और वो ये था कि इंग्लैंड में जो छापेदार सूती कपड़े हैं और छींट का प्रयोग पे उन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यानी नतीजा ये हुआ कि अब भारतीय कपड़े इंग्लैंड में नहीं जाने लगे। इसी तरह से इसका नाम जो है वो एक कैलिको अधिनियम भी दिया गया। दूसरी बात यह है कि इस उद्योग पर जो दूसरा मार्ग यह पड़ा कि 1764 ईस्वी में जॉन के नाम करके एक शख्स जो था, उन्होंने एक स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किया, और स्पाइनिंग जेनी का जब आविष्कार किया तो उसमें क्या हुआ कि जो तकलियों की उत्पादकता जो है वो काफी बढ़ गई। तो यहाँ पे जो हथकरघे का मामला था, हाथ का मामला था, वे अब कमजोर भी पड़ने लगे। इसी तरह से 1786 में जो एक अहम उसमें एक परिवर्तन वो ये आया कि रिचर्ड ने एक एक मशीन का, जिसको हम लोग वास्प इंजन भी कहते हैं, वह वास्प इंजन का भी उन्होंने एक आविष्कार किया, और उसका ये नतीजा हुआ कि सूती कपड़े की बुनाई में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब ये दो जो है, रिचर्ड और जेनी के स्पाइनिंग मशीन का प्रभाव ये पड़ा कि भारत में जो भी कपड़े यहाँ के बुनकर या यहाँ के जो भी शिल्पकार करते थे, मशीन के आने के बाद इसकी उत्पादकता बढ़ गई, एक क्रांतिकारी इसमें परिवर्तन आया, तो यहाँ का उद्योग धंधा भी अब ठप होने लगा। नतीजा ये हुआ कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिश जो वहां से चांदी भेज के और यहां से कपड़े को मंगाते थे, अब वे आना बंद हो गए। एक चीज और भी हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1818वीं सदी यानी 1750 तक भारत के कपड़े का डिमांड खूब ज्यादा था यूरोप में, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जब 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिली, तो दीवानी मिलने के बाद ये हाल हो गया कि अब अंग्रेजों ने यहाँ किसानों से राजस्व भी वसूलने लगे, और अब यहाँ के किसानों से बखीरी खुद इस तरह की खेती करने लगे। यानी जो व्यापार के माध्यम से यूरोप से जो चांदी आता था और इसके बदले कपड़ा और लोहा जाता था, वे आना बंद हो गया। और इसी तरह से यानी हम देखते हैं कि इसका मार ये हुआ कि जो घरेलू उद्योग था, ये घरेलू उद्योग भी हमारा ठप होते गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिल्प और उद्योग, यानी एक तो औद्योगिक क्रांति का भी और ब्रिटिश अधिनियम का भी इस पर जबरदस्त मार पड़ा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे इस शिल्प उद्योग में और दूसरे उद्योग में जो कारीगर के रूप में व्यस्त थे, जो काम मिल रहा था, उनका काम भी अब बिल्कुल खत्म होने लगा, और इसका प्रभाव अल्टीमेटली भारतीय उद्योग पर और यहाँ के लोगों पर भी पड़ना शुरू हो गया।